बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सानिर आज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम, बाज़ औक़ात आपने भी इस चीज़ को जज किया होगा कि कुछ लोग कमज़ोर नहीं होते, उनका केस साइकी किस्म का होता है। वो नफ्सियाती तौर पर परेशान होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे लोग इलाज के लिए आते हैं बाज़ औक़ात, ख़ास तौर पर वो जो जिनकी शादी नई नई होती है, वो इतना इस सिलसिले में परेशान होते हैं, इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। हालांकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। गलत मालूमात की बिना पे आप कह लें कि वो अपने आप को बीमार तसव्वुर कर लेते हैं। ये जो साइकी केस होता है, बहुत ख़तरनाक रिजल्ट भी दे सकता है अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए। नफ्सियाती तौर पर बीमार आदमी कभी भी ठीक नहीं होता, जब तक उसने अपने आप को तसल्ली हौसला नहीं देना, अपने दिमाग को बिल्कुल इन फजूल किस्म की मालूमात से खाली नहीं करना। आज मैं आपको ऐसे ही साइको केसेस के बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बहुत कम कीमत होगी लेकिन रिज़ल्ट उसका बेहतरीन होगा और वो आदमी बगैर दवाई के बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं, आप सियालिस ले लें, सियालिस गोलियां ऐसे मरीजों के जो साइकी केस होते हैं, वो देखते ही पता चल जाता है कि ये असल बीमार है या साइकी केस है, इसका नफ्सियाती केस है। एक गोली के तीन हिस्से कर लें। अगर ज़्यादा ही वो परेशानी का इजहार कर रहा है तो आप इसके दो हिस्से कर लें। असर के वक्त नीम गर्म दूध के साथ एक हिस्सा दे दें, इंशाल्लाह कभी भी वो बीमारी का इजहार नहीं करेगा और बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बाद किसी दवाई की उसे ज़रूरत नहीं होगी, ना उसको आप बार बार मेडिसिन दें ताकि वो आदि ना हो जाए। जब आप बार बार मेडिसिन देंगे तो वो इस चीज़ का आदि हो जाएगा, फिर वो सही मायनों में मरीज बन जाएगा। इसलिए सिर्फ आधा हिस्सा ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दे दें, बस एक ही काफ़ी। इसके बाद किसी चीज़ की उसे ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। तो इसको इंशाल्लाह आप आजमा के देखें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।